क्या आपको पता है कि सबसे पहला आईफोन किस कंपनी ने बनाया था? और क्या आपको पता है कि इंडिया में जो हम सब्जी रोटी डेली बेसिस पर खाते हैं, मतलब ये हम लोगों का जनरल फूड है, तो अमेरिका में लोगों का जनरल फूड क्या होगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में आप ऐसे गजब के फैक्ट्स जानोगे, आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, व्हाट। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, तो वो जो है अपने पास हमेशा हिंदुओं के भगवान हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति हमेशा अपने पास रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही हनुमान जी जिन्हें हमारे इंडिया में संकट मोचन, पवन पुत्र, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन है वो एक ही। तो फैक्ट ये है कि मतलब ओबामा जैसे लोग यानी राष्ट्रपति रह चुके हैं वो अमेरिका के, वो अपने पास इनकी छोटी सी मूर्ति हमेशा अपने पास रखते हैं, यानी ऑलवेज। फैक्ट नंबर 9, तो फ्रेंड जैसे इंसानों के मैक्सिमम 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं एक इंसान के, यानी जब वो अपनी मैक्सिमम एज तक पहुंच जाता है उसके 32 दांत आ जाते हैं। तो क्या आपको पता है या फिर आपने कभी सोचा है कि ये जो मच्छर होते हैं, छोटे छोटे मच्छर, उनके कितने दांत होते होंगे? तो दोस्तों, ये जो छोटे छोटे से मच्छर होते हैं ना, उनके कुल 47 यानी 47 दांत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 47 दांत। फैक्ट नंबर 8, जैसे हम लोग रोटी सब्जी चावल दाल खाते हैं ईस्टर्न कंट्रीज में, तो वैसे वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका में क्या खाते हैं आपको पता है? तो दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेड और जाम खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब हमेशा नहीं, जनरली कभी ब्रेड में चीज लगाकर या फिर सैंडविच, वहाँ वही नॉर्मल खाना है, वहाँ रोटी सब्जी चावल तो स्पेशल खाना होता है। इतना कॉमन रोटी इंडिया में है ना, तो अमेरिका में रोटी उतना फैमिलियर भी नहीं है, और कभी कभार चपाती और राइस खाते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं ना, वैसे ही उनका रोटी सब्जी भात वगैरह खाया जाता है। यानी हमारे यहाँ रोटी सब्जी जनरल फूड है, उनके यहाँ जनरल फूड है बर्गर, ब्रेड, पिज़्ज़ा, ये सब, मतलब ये लोग ये सब खाते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि ये जो हम मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं, तो टोटल कितने डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे इस इंटरनेट से? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? मैं श्योर हूँ आपने नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, 2018 के एक सर्वे के अनुसार अब तक 38125644450 डिवाइस इंटरनेट से जुड़ गए हैं, और जिसमें चाइना जो कंट्री है ना, वो सबसे पहले नंबर पर आता है। हाँ दोस्तों, ये जो नंबर है 38125644450, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये था 2018 के सर्वे के हिसाब से, और अभी चल रहा है 2020, तो यानी आप इनका आप अनुमान लगा लीजिए कितना बड़ा होगा। फैक्ट नंबर 6, तो दोस्तों जैसे हम अर्थ पर रहते हैं, तो अगर हमसे कोई चीज़ टूट जाती है तो हम उसे जोड़ नहीं सकते, एक्सेप्ट फेविक्विक। हाँ, अगर फेविक्विक है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन वो बात अलग है। तो क्या आपको पता है कि अगर स्पेस यानी अंतरिक्ष में यदि कोई धातु के दो टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श भी कर गए, तो वे स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं, परमानेंट नहीं पर स्थायी रूप से। मतलब जैसे कोई चीज़ स्पेस में टूट गई, तो अगर बाय चांस यानी किसी भी सर्कमस्टेंसेस के चलते अगर वो दोनों टुकड़े अगर स्पर्श करके यानी टच करके एक दूसरे से, तो यानी वो स्थायी रूप से कनेक्टेड यानी जुड़ जाएंगे। ये परमानेंट नहीं है, लेकिन स्थायी रूप से तो जोड़ रहा है ना ये गजब। यानी मतलब जो टूट गई ये चीज़ उसको स्थायी रूप से जोड़ देता है, गजब यार। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पहला हिंदी निजी मनोरंजन चैनल कौन सा है? यानी हम जो टीवी पर ये सीरियल्स देखते हैं कुछ चैनल्स पर, जैसे सब टीवी हो चुके हैं, कलर्स टीवी, एनटीवी, तो यानी ईटीसी, तो ये सबसे जो चैनल्स हैं, तो उसमें सबसे पहला निजी मनोरंजन चैनल कौन सा था, वो भी हिंदी में? तो दोस्तों, हमारे भारत का पहला हिंदी निजी मनोरंजन चैनल जी टीवी है। हाँ दोस्तों, जी टीवी, जिस पर आप बहुत सारे नाटक यानी सीरियल्स तो देखते ही होंगे, तो इसको याद रखना। फैक्ट नंबर 4, तो दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटापा यानी फैट बढ़ाने वाली चीज़ कौन सी है? तो आपका आंसर मेजोरिटी में ऑयल ही होगा, यानी तेल ही ज़्यादा मोटापा बढ़ाता है, या फिर अगर आप अलग हैं तो यानी आपका जवाब चावल भी हो सकता है। बट दोस्तों, मल्टी रिसर्चेस में ये पता चला है कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा वजन बनाने वाला खाना पोटैटो चिप्स है। हाँ दोस्तों, पोटैटो चिप्स, याद रखना इस फैक्ट को, मतलब चिप्स से जितना फैट बढ़ता है ना, उतना पिज़्ज़ा और बर्गर से भी नहीं बढ़ता। कैलोरीज नहीं, बल्कि कुछ और रहस्यमयी चीज़ है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि ये जो हम इंसानों के आईब्रोज होते हैं, वो जो है ना, हर 64 दिन में रिन्यू होते हैं। रियली दोस्तों, हर 64 दिन में रिन्यू होता है, मतलब हर 64 दिन में, यानी करीब आप समझ लो 2 महीना, 30-30, 60 होता है,
तो आप करीब 2 महीना समझ लो, हर 2 महीने में आपके आईब्रोज रिन्यू होते हैं, यानी फिर से मतलब फिर से नए होते हैं। और दोस्तों हमारी एक आईब्रो में लगभग 550 बाल होते हैं। वाह यार 550 बाल एक आईब्रो में। फैक्ट नंबर 2, आपने हार्ड डिस्क के बारे में तो सुना ही होगा जो कंप्यूटर लैपटॉप आदि में लगती है, और आपको ये भी पता होगा कि ये डेटा को स्टोर करने के काम आती है, यानी अपनी जो फाइल्स हैं वो हम उसमें रख सकते हैं। और इनके अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जैसे 320 GB का आता है, 500 GB का आता है और बाकी सब। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारा दिमाग यानी हमारा ब्रेन वो कितना डेटा स्टोर करता होगा? तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी में हमारा दिमाग लगभग 10 लाख GB यानी 10 लाख GB स्टोर करता है। मतलब दोस्तों हमें हमारे पीसी का 500 GB डाटा भरने में इतनी प्रॉब्लम की जाती है, तो ये तो 10 लाख GB स्टोर कर सकता है यार, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि इस चैनल के सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने आईफोन के बारे में तो सुना ही होगा। आजकल आईफोन के बारे में कौन नहीं सुना होगा, हर कोई सुना होगा कि हाँ इसका रेंज इतना है, 1 लाख 2 लाख, तो ये आपने इसके बारे में तो सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहला आईफोन यानी फर्स्ट आईफोन बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, या फर्स्ट आईफोन किसने बनाया था? तो दोस्तों अब आप यही बोल रहे होंगे कि एप्पल ही बनाएगी ना, और कौन बना सकता है, क्योंकि एप्पल ही आईफोन के मतलब वर्जन्स निकालती है। पर नहीं दोस्तों, सबसे पहला आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल नहीं बल्कि सिस्को थी। सिस्को नाम की एक कंपनी ने सबसे पहला आईफोन बनाया था। ये फैक्ट एकदम गजब है, इसको ज़रूर याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। अगर आप किसी के भी सामने स्मार्ट बनना चाहते हो उसके बाद में पूछ लेने का आईफोन किसने बनाया हुआ पहला, उसका जवाब पक्का एप्पल होगा, और आप उसको बताना एप्पल ने नहीं सिस्को नाम की एक कंपनी ने पहला आईफोन लॉन्च किया था। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना, और इस वीडियो को खुलकर शेयर करना ताकि सबको नॉलेज मिल पाए। और वीडियो के नीचे दिए गए ऑल वीडियोस वाले लिंक पर क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो, उन्हें एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलना। सारे वीडियोस एक जगह पर सिर्फ आपके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।